हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। यहाँ पर मैं सबके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नाइट का फर्स्ट एपिसोड। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं ये कहानी कंटिन्यू रखूँ। सबसे पहले हम देखते हैं डार्कनेस, और उसी के साथ एक आवाज हमें बताती है कि एक लाइट जो एक एलियन के हाथ में पहनी हुई ग्रीन विल्ड रिंग में थी, और वो रिंग मुझे देते हुए मुझे ये काम सौंपा गया कि बेस का हर ब्लैकेस्ट कॉर्नर मैं ब्राइटन कर दूं। जब मैं छोटा था तब स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स के बारे में पढ़ा था, ज्यादातर वो थे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। मैं कोई आर्टिस्ट तो नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो ये प्रूव करना चाहता था कि मैं किसी से और कभी भी नहीं डरता। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर थॉमस और मार्था वेन की ग्रेव थी। आगे हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न को खड़ा हुआ जो कह रहा था, मैं हूँ हैल जॉर्डन, एक ऑफिसर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का, स्पेस सेक्टर 2814 का। ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं आज कितना ब्राइट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये शैडोज मुझसे अलग नहीं हो सकती क्योंकि बैटमैन अब नहीं रहा, वो अब मर चुका है। और तब हम देखते हैं बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर बैटमैन कह रहा था तुम्हारी ग्लोइंग लाइट की वजह से मेरा शैडो में छुपना मुश्किल हो जाता है। इस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है ये मेरी गलती नहीं है कि अगर शैडोज तुम्हारी सुपर पावर है तो। और तभी हम देखते हैं कि बैटमैन को पकड़ रखा है सुपरमैन ने जो कि अब पूरी तरह से मर चुका है। और ये याद करके हैल जॉर्डन वहाँ पर दुखी हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसे बेरी एलन ज्वाइन करता है, जहाँ पर दोनों की आपस में बात चल रही थी, जहाँ बेरी कहता है कि ब्रूस वेन की ग्रेव मार्क्ड क्यों नहीं है, ना ही यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है वो ये चाहते है कि ब्रूस और बैटमैन दोनों की मौत में काफी डिफरेंस पैदा हो जाए, और इस वजह से वो अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहते। और जहाँ तक रही ग्रेव की बात, तो वो इसलिए मार्क नहीं की गई क्योंकि रॉबिन को अभी लगता है कि बैटमैन अभी भी वापस आएगा और वो अभी भी जिंदा है। जिस पर वो कहता है डिक का कहना सही है क्योंकि बैटमैन के पास हमेशा कुछ ना कुछ प्लान होता है। इस पर वो बताता है अभी करंट बैटमैन डिक नहीं बल्कि टिम ड्रेक है। और आगे वो कहता है तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी स्पीड फोर्स के बिना तुम क्या करोगे। इस पर वो कहता है मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा। इस पर ग्रीन लैंटर्न बताता है कि लोग हर तरफ से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। और तभी वो एक प्रोजेक्शन दिखाते हुए कहता है ये मैं ही हूँ, लेकिन बिल्कुल अपोजिट, जब मैं पैरलैक्स से इन्फेक्टेड हुआ तब उसे लगा कि मैं मर चुका हूँ और उसने मेरे जैसा एक और पैदा कर दिया, और सभी को लगा कि मैं अब विलन बन चुका हूँ, इसलिए मैं एक पापी की तरह और मैं एक विलन की तरह मरा, लेकिन तुम नहीं, तुम एक हीरो की तरह मरोगे। जिस पर बेरिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर हमसे भी कोई बड़ी फोर्स है जो ये सब कर रही है और इसमें से निकलने का कोई भी रास्ता है और अगर कोई प्लान है तो बैटमैन ने वो पहले से ही सोच कर रखा होगा क्योंकि बैटमैन के पास हमेशा से ही एक प्लान होता है। और तब हम देखते हैं डार्क साइड के साथ सारी जस्टिस लीग लड़ रही थी, जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न के प्रोजेक्शन में हम देखते है कि डार्क साइड की ओमेगा बीम आकर बैटमैन को मार देती है। आगे ग्रीन लैंटर्न बैरी से कहता है अगर तुम चले गए तो सब कुछ बदल जाएगा, हम तब अनबीटेबल नहीं रहेंगे, हमारे सारे काम मोस्ट डेडली बन जाएंगे। और तब वो बताता है कि एक्वामैन मारा गया था एक म्यूटेड स्टेट में, वो महीनों तक वहीं पर पड़ा रहा था, लेकिन रूमर्स बताते हैं कि वो फिर से जिंदा हो चुका था डार्क साइड के अटैक से, लेकिन वो सिर्फ रूमर्स ही थे। और मार्शियन मैनहंटर जो कि मारा गया डार्क साइड के फॉलोअर्स से और उसे मार्स पर ही दफनाया गया। और अब ब्रूस, मैं तुम्हारी तरह उससे ज्यादा बात तो नहीं करता था लेकिन वो मेरा दोस्त था। और वहां से जाते हुए बेरी उसे कहता है वो मेरा भी दोस्त था लेकिन हमारे पास अभी होप करने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं है। और वो दोनों ही उस ग्रेवयार्ड से चले जाते हैं जहाँ पर एक साया उन दोनों को नोटिस कर रहा था, और उनके जाते ही वो साया ब्रूस वेन की पूरी कब्र खोदकर उसमें से ब्रूस वेन का बचा हुआ स्केलेटन बाहर निकालता है। और दूसरी तरफ हम देखते है हॉकमैन, हॉक गर्ल और एटम एक जगह पर जा रहे थे और उसी ग्रेव में वो ब्रूस वेन को जिंदा करने वाला था। और तब हम देखते हैं कि ब्रूस वेन की कल अपने हाथों में लिए ब्लैक हैंड कह रहा था मेरे जरिए, यानी कि ब्लैक हैंड के जरिए अब मुर्दे जिंदा होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।